जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ की 70% जमीन समुद्र के नीचे है और दुनिया भर में समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही इंसान खोज पाया है, जिनमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली है, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या सोचा होगा। खजाना हो या फिर समुद्र में मिला पूरा के पूरा शहर, हजारों साल पुरानी इजिप्शियन ममीज, कीमती चीजें या फिर स्ट्रेंज क्रीचर्स, सभी समुद्र के तले से खोजी गई है। समुद्र की सतह के नीचे छुपा बेशुमार इंसानी इतिहास आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिनमें कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई जो काफी चौंका देने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 5। सन 1900 में ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड एंटीकथेरा के तट पर ग्रीक गोताखोरों का एक ग्रुप समुद्री स्पंज का शिकार कर रहा था और उन गोताखोरों को रोमन युग के एक ट्रेडिंग शिप का मलबा हाथ लगता है। उस शिप रैक पर बेशकीमती आर्कियोलॉजिकल सामान था, जैसी कि कीमती मूर्तियां, मार्बल स्टैचूज, सुंदर कांच के बर्तन, कॉइन्स, ज्वेलरी और एक ऐसा डिवाइस जिसने एंशिएंट लाइफस्टाइल की थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। ये एक जंग लगा हुआ लकड़ी और मेटल का बॉक्स था जो एक घड़ी के जैसा दिखाई दे रहा था। इसमें बहुत सारे गियर लगे हुए थे जिन्हें काफी सफाई से बनाया गया था, जो कि आज की एडवांस्ड मशीनरी से बनाने में भी काफी मशक्कत लगती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये तो पता था कि ये मेटल का टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन ये क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। 1951 में साइंटिस्ट डेरेक जॉन डी सोला प्राइस ने उस डिवाइस पर रिसर्च कर ये पता लगाया कि ये एक प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर था, जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म था जो कि सन, मून और दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशंस को बताता था। लेकिन प्राचीन ग्रीक सेलर्स को इस एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? असल में चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती है, जिसमें शिप को कंट्रोल करने में कैप्टन को दिक्कत होती थी, और इसी वजह से वो लोग तब ही आगे बढ़ते थे जब चांद समुद्र से या अर्थ से दूर होता था। ये 2000 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल एनालॉग कंप्यूटर न सिर्फ चांद की बल्कि दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशंस को भी बताता था और फ्यूचर में प्लैनेट्स की आने वाली लोकेशंस को भी प्रिडिक्ट करता था, जिससे ग्रहण और दूसरी यूनिवर्सल एक्टिविटीज के बारे में भी पता चलता था। नंबर 4। रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लिश चैनल में जब रिसर्च के लिए पहुंची तो उनको एक चौंका देने वाली चीज दिखाई दी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंग्लिश चैनल एक ऐसा वाटर चैनल है जो सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से अलग करता है। समुद्र की बॉटम में उन्हें पेड़ के तने देखने को मिले जो जमीन से जुड़े हुए थे। ये मंजर वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि समुद्र के अंदर किसी पेड़ का उगना पॉसिबल ही नहीं है। सीबेड में पेड़ का पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कई साल पहले ये हिस्सा एक जमीन हुआ करता था जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में कनेक्ट करता था। रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि करीब 8000 साल पहले ये लैंड किसी कारण पानी में डूब गया था। नंबर 3। समुद्र में सुनामी के आने का मतलब है तबाही, और ये तबाही की लहरें तब पैदा होती है जब समुद्र की जमीन में भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी फटता है। सुनामी समुद्र किनारे पर बसे पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के कोस्टलाइन से 65 किलोमीटर दूर एक अंडरवाटर वॉल्केनो है जिसे टोंगा वॉल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वॉल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया
जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही किनारे तक पहुंच गई। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हजारों किलोमीटर दूर देशों में भी इसके झटके को महसूस किया गया। जापान से लेकर अमेरिका तक पैसिफिक कोस्ट लाइंस पर सुनामी आ गई। वॉल्केनो से निकलने वाली गैस, धुएं और राख के गुबार आसमान में 20 किलोमीटर तक फैल गए। आगे रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आईं कि जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरत में आ गए। इस वॉल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 गुना ज्यादा थी। सैटेलाइट से मिली फुटेज में ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। नंबर 2, मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा एक गुंबद के आकार की ट्रांसपेरेंट सिर वाली एक छोटी गहरे समुद्र की मछली है, जिसकी चमकती हुई हरी आंखें, बड़े फिन्स और छोटा सा मुंह होता है। ये इतनी रेयर है कि इसे सिर्फ 9 बार ही देखा गया है। इसको सबसे पहले सन 1939 में देखा गया था, लेकिन इसके अस्तित्व का पुख्ता सबूत 2004 में मिला, जब इस एलियन जैसी दिखने वाली मछली को मोंटेरेबे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पॉट किया। ये डार्क स्मॉल फिश 2000 से 2800 फीट गहरे समुद्र के पानी में पाई जाती है। इसके फ्लूइड से भरे ट्रांसपेरेंट सर में जो दो बड़े ग्रीन गोले हैं, वो इसकी ट्यूबलर आंखों के लेंस हैं। अपने बड़े पंखों की मदद से मैक्रोपिना खुद को बहुत देर तक पानी में स्थिर रख सकती है और शिकार पर घात लगाए घंटों बिना हिले डुले रह सकती है। शिकार को देखने के लिए ये अपनी आंखों को पूरा घुमाकर आगे ले आती है। शिकारियों से बचने के लिए भी अपनी रोटेशनल आईज का फायदा उठाती है। ये काफी अजीब लगता है कि इस मछली की आंखें इसके दिमाग में मौजूद है। समुद्र से बाहर एक्वेरियम में ये क्रीचर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है, इसीलिए रिसर्चर्स को इन पर रिसर्च करने के मौके बहुत ही कम मिल पाए हैं। नंबर 1, रात के वक्त बहुत से समुद्र किनारे पर चमकती हुई नियॉन ब्लू कलर की लहरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान के सितारे जमीन पर आ गिरे हो। इस लाइट को बायो ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये खूबसूरत तो बहुत लगती है, लेकिन ये लाइट पानी में मौजूद जीवों के शरीर से निकलती है। जब ये बैक्टीरिया या लिविंग क्रीचर्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से चमकने लगते हैं। ये लाइट बहुत ही डिम होती है, इसीलिए इसे सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। बायोल्यूमिनेसेंट जीव समुद्र की सतह से लेकर गहरे समुद्री तल तक समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये लाइट इमिटिंग बैक्टीरिया इंसानों को या दूसरे समुद्री जीवों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।